गल करांगे स्मार्टफोन की। जी हाँ, कैप्टन सरकार वालों अच्छ विद्यार्थियों जो है वो स्मार्टफोन वंडे गए ने, पर इन्ह स्मार्टफोन की क्वालिटी तो खुद मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर नहीं आए। जी हाँ, ये कांग्रेस की योजना सी जो चोणों तो पहला वादा किया गया सगा, तो अज जाके कि अद्धा अधूरा वादा जो है विरोधियों वालों सवाल चुके जा रहे हैं। उधर मुफ्त डाटा ते सिम ना देने कैबिनेट मंत्री बलबीर सिद्धू ने भी स्पष्टीकरण दिता। उन्होंने कहा कि बच्चे जो ने डाटा मिसयूज ना करन, इस दे लई उन्हां नूं डाटा नहीं दिता गया। उन्होंने दस दिए कि चोण मैनीफेस्टो दे विच कांग्रेस ने एक साल लई मुफ्त डाटा ते फ्री कॉलिंग का वादा किया सीगा। 50 लाख बच्चों नूं जो है 50 लाख पहला नौजवानों नूं कहा गया सीगा स्मार्टफोन दिते जाणगे, पर उसकी गिणती जो है हुण 50,000 कर दिती गई है। 3 साल बाद वादा मुकम्मल किया जा रहा है। 5 साल के 50 लाख का वादा किया गया सीगा, जिसके विरोधी ये भी सवाल चुक रहे हैं कि आखिर आने वाले 1.5 साल किवें 49.5 लाख फोन जो ने वंडे जाण। उधर मुफ्त डाटा का वादा किया गया सीगा, सिम देने की गल कही सी, 12 GB डाटा देने की गल जो है वो चोण मैनीफेस्टो के कांग्रेस के वालों की की गई सी, पर हुण ना ही बच्चों सिम दिता गया, ना ही डाटा देने की कोई गल कही गई है। उपरों की सेहत मंत्री का स्पष्टीकरण सामने आया कि डाटा इसलिए नहीं दिता गया ताकि बच्चे इसनों मिसयूज ना कर। ये कोई डाउट नहीं है, मैं कहूँगा कि दुनिया का सब तो चंगा टेलीफोन होता है, इट इज नॉट द बेस्ट बट इट इज अ गुड फोन, इट्स अ फोन जरा यूज कर सकते हो एंड एट द एंड फंक्शनल फोन है। एक ड्रामे वाले फोन जो होते हैं लोग चक्की फिरते हैं और आ काम का नहीं है, ये सारे एप्स ने अनलिमिटेड कॉल्स की गल जी होंगी है वो एक सैपरेट इशू हैगा, लेकिन सब तो वड्डी जिहड़े ऐप्स ने जिहड़ियां साडे जरूरत है खास करके ऑनलाइन वो रैम है जिहड़ी बड़ी 2 GB की हैगी है। जो तुसीं इहदा सारी पढ़ो उहदी जिन्ना तुसीं इहदा लिटरेचर सारा नाल दित्ता कैटलॉग नाल हैगा, हर चीज़ इहदे विच हैगी है। लेकिन देखो जे तुसीं बहुत सारिया अनलिमिटेड कॉल्स दोगे तो बच्चे एक बार मिसयूज हो सकता है, लेकिन ये एक साधन है पढ़ाई का ना कि कॉलेज का। हाँ, हर चीज़ ये डेटा हाँ जी नहीं नहीं कनैक्शन सुनो मेरी गल, कनैक्शन तो हम मैंने मोबाइल मार्केट मिल गया, डेटा तो बड़ा सौखा मिल जाए, हर पिंड डिश लगी हुई, हर पिंड कनैक्शन पहुंचे हुए हैं। इस तो फोन तो संतुष्ट नहीं ने, उसकी क्वालिटी तो संतुष्ट नहीं ने, तो दूजे पासे सेहत मंत्री ये कह रहे हैं कि डाटा जो है नहीं दिता जाएगा क्योंकि बच्चे मिसयूज ना कर। इस बारे और ज्यादा जानकारी देने के लिए साढ़े सहयोगी रमनदीप साढ़े नाल जुड़ गए हैं। रमन जी, गल की जाए गल 50 लाख फोनों की हुई सी, पर 3 साल बीत जाने के बाद 50,000 जो ने उसकी शुरुआत की गई है, तो खुद ही जो मुख्यमंत्री ने वो स्मार्टफोन नूं स्मार्ट नहीं दस रहे, तो विद्यार्थी इस दे नाल किवें स्मार्ट बन गए, किवें स्मार्ट क्लासेस जो ने लगा सकणगे। गुरप्रीत, पहला तो सरकार आँदी आँदी इन्नी देर हो गई कि 50 लाख तो 50,000 रुपए आ गए और आई भी देर नाल, ते आउन साल सरकार ने की कीता जिहड़ा हुण दित्ते उस विच कोई सिम नहीं, पहला कहा गया कि तुहानूं 12 GB जिहड़ा डाटा हैगा वह इस महीने का मिलेगा, 3G डाटा जिहड़ा 12 GB ते तुहानूं फ्री कॉलिंग जिहड़ी हैगी इक साल भर दी मिलेगी। हुण होया कि जल्दबाजी दे विच फोन वंड दित्ते गए, वह फोन अज किन्ने वंडे गए ने, ना सरकार ये क्लीयर कर पाई है किनू दित्ते गए, ना सरकार ये क्लीयर पाई है। और सब तो वड्डी गल जिहड़ी हैगी आ नौजवान उन नौजवानों जिहड़े बच्चों को फोन दित्ते गए ने, जिहड़े बच्चों की वोट जिहड़ी हैगी आ इस साल दे जिहड़ी हैगी आ अखीर तक बनेगी जां फिर अगले साल 2021 दी शुरुआत विच, जानी कि जिहड़े वो बच्चे पहली बार वोट पाउण जाणगे उन्हां नूं कैश करन दी तैयारी जिहड़ी हैगी हुणे तों ही सरकार ने शुरू कर दित्ती आ कि उन्हां 2022 तक किस तरह उन्हां नूं अपने सियासी मुफाद पूरे करन दे लई वरतना। इह कैप्टन दी स्मार्ट, कैप्टन दे फोन स्मार्ट नहीं, कैप्टन दी सरकार दी गेम स्मार्ट सीगी, इक ओवर जिहड़ी गेम स्मार्ट दे विच इह बच्चियां नूं जिहड़ा हैगा उह बच्चे रोल गए ने जिहड़े बच्चियां नूं असल विच लोड़ सीगी स्मार्टफोनां दी। जी जी रमन, असल तक जो असल बच्चों की जरूरत सी उन्हां तक नहीं पहुंचा। रमन, सवाल ये भी विरोधी धिरां वालों चुके जा रहे हैं, 50 लाख का वादा किया गया सीगा, 3 साल बाद जो है हले 50,000 ही दिते ने, वो भी गिणती जो है सरकार वालों सही अंकड़ा नहीं दिता जा रहा, आने वाले 1.5 साल के जो है वो 49.5 लाख का वादा किवें मुकम्मल किया जाएगा, किस नूं लैके कोई जवाब सामने आया सरकार वालों? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1,74,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ 1,74,000 ਤੇ ਖੜ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਜੇ, ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000
16 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੇਵਾਂ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਹੱਤ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਰਮਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮੁਫਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਪੰਚ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਿਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਟਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਡਾਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਰੋ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸ ਯੂਜਿੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਮ ਟੋਲ ਵਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਰਮਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਸੀਗਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਪਰ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 50,000 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 1,76,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ